Assalamu alaikum dear students and friends, this is Saqib Iqbal, welcome on my YouTube channel. Today we will discuss about factor affecting electronegativity, that we have which factor that affects electronegativity. So हमारे पास आपके book में हमारे पास चार factors given हैं. First one हमारे पास है nuclear charge, second one हमारे पास है atomic radius, third one हमारे पास है shielding effect और fourth one हमारे पास है electronic configuration. तो हम एक को एक by एक हम इसको discuss करेंगे. हम सबसे पहले discuss करते हैं nuclear charge. Nuclear charge का मतलब क्या है कि एटम के न्यूक्लियस में जितने चार्ज होते हैं प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है. सो एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है, इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन होते हैं, दिस इज एक्चुअली द न्यूक्लियर चार्ज. अब आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन के. सो जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने नेगेटिव चार्ज भी होंगे. सो हमारे पास जितने भी न्यूक्लियर चार्ज यानी प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं उतने ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आल्सो इंक्रीज होगी. ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है. यहां पर जितना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी. अगर न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आल्सो डिक्रीजेस. यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि मैं एक चीज को ज्यादा कर रहा हूं तो दूसरा चीज खुद ब खुद ज्यादा होगा, मैं एक चीज को कम कर रहा हूं तो ये खुद ब खुद कम होगा. सो जब हम पीरियड में लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाते हैं तो आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, मैंने आपको इससे पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं. सो जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं तो हमारे पास उसके बराबर प्रोटॉन भी ऐड होंगे. सो हमारे पास क्या होगा, जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है. सेकंड वन हमारे पास है एटॉमिक रेडियस, इसका हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शन है. जितना एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी. अगर ये कम है तो फिर ये ज्यादा होगा. इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि जब मैं इस एक चीज को इंक्रीज करूंगा सो दूसरा चीज डिक्रीज होगा. मैं इसको डिक्रीज कर रहा हूं तो अब ये इंक्रीज होगा, उलट होगा. सो ग्रेटर द एटॉमिक रेडियस, जितना एटम का साइज ज्यादा होगा उतना ही हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, क्योंकि ये हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शन है. जब हम ग्रुप्स में ऊपर से नीचे यानी टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो उस वक्त हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक रेडियस हमारे पास इंक्रीज होता है, हमारे पास साइज इसी तरह इंक्रीज होता है, क्योंकि हमारे पास शेल्स ऐड होते हैं, इसी तरह हमारे पास साइज इंक्रीज होता है. सो एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप्स द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, और जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, कम होती है. तीसरा हमारे पास है शील्डिंग इफेक्ट. देखिए मैंने शील्डिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक रेडियस, इन सब चीजों पे मैंने अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है. सो एटलीस्ट इससे पहले आपको इन चीजों का कंसेप्ट होना ज्यादा मस्ट है, जरूरी है. सो शील्डिंग इफेक्ट क्या है, हमारे पास जैसे ही हमारे पास नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं, यानी जिस तरह हमारे पास नंबर ऑफ शेल ज्यादा होते हैं, सो हमारे पास क्या होते हैं, देन द इलेक्ट्रॉन्स आर इजीली रिमूव फ्रॉम द वैलेंस शेल. तो उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन फिर आसानी से रिमूव हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये लेट सपोज हमारे पास एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये हमारे पास एटम है. सो अब ये इलेक्ट्रॉन लेट सपोज ये हमारे पास इसमें तीन शेल है, ये इलेक्ट्रॉन इससे दूर है, सो इस इलेक्ट्रॉन को मैं अगर कम एनर्जी भी दूं तो ये हमारे पास आसानी से रिलीज हो सकता है, क्योंकि ये इस न्यूक्लियस से दूर है सो इस पे फोर्स बहुत कम लगता है. ये इस शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है इसको निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इस पे ये न्यूक्लियस फोर्स लगा रहा है, खींचता है इसको, जिसकी वजह से इसको निकालना मुश्किल होता है.
सो जैसे ही हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होते हैं, ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तो हमारे पास एडिशन ऑफ शेल्स होती है। सो हमारे पास क्या होते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स आर इजीली रिमूव फ्रॉम द वैलेंस शेल। तो फिर सबसे आउटर यानी वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होता है, जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हमारे पास डिक्रीज होती है। यानी अगर हम इसका रिलेशनशिप देखें, सो शील्डिंग इफेक्ट जितना इंक्रीज होता है उतना ही हमारे पास ये डिक्रीज होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दोबारा इसी तरह ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा। अगर मैं इसको ज्यादा कर रहा हूं तो फिर ये कम होगा, अगर मैं इसको कम कर रहा हूं तो फिर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फोर्थ वन हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए ये हमारे पास दो ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये। याद रखिए एक ऑर्बिटल में हमारे पास ज्यादा से ज्यादा दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, कम आ सकते हैं लेकिन दो से ज्यादा नहीं होंगे। सो ये ऑर्बिटल है, इसमें फुल इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहां पर दो है तो मैं कह सकता हूं कि ये हमारे पास फुल ऑर्बिटल है। अगर और इसमें हमारे पास एक है तो मैं कह सकता हूं ये हमारे पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, क्योंकि ये हमारे पास आधा भरा हुआ है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की जगह है। सो अब ये जो हाफ फुल फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं, ये हमारे पास ज्यादा स्टेबल होते हैं। और इसी ऑर्बिटल को यानी फुल फिल्ड ऑर्बिटल और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल हो जाता है। सो जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिक्रीज होती है। देखिए ये बातें हम यहां पर पढ़ते हैं, द कंप्लीट फिल्ड ऑर्बिटल, ये जो हमारे पास कंप्लीट फिल्ड ऑर्बिटल है या हमारे पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है आर स्टेबल, ये हमारे पास स्टेबल होते हैं। द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन ऐड करना हमारे पास बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमारे पास क्या होती है, डिक्रीज होती है। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने दुआओं में मुझे जरूर याद रखिए। ओके, थैंक्स अ लॉट।